अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम ब्रेड पकौड़ा बनाने लगे हैं और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक नींबू का रस, 2 चम्मच चिली गार्लिक सॉस, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा किलो आलू जिसको उबाल कर हमने मैश कर लिया था, 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच अदरक पाउडर और थोड़ा सा धनिया जिसको ब्रिक ब्रिक काट लिया, और 2 चम्मच मिर्ची जिसको ब्रिक ब्रिक काट लिया, और 6 ब्रेड के स्लाइस। अब आलू में हम 1 चम्मच नमक डाल दें। एक चम्मच चाट मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच सुरख मिर्च डाल देंगे। नमक और सुरख मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें, आधा चम्मच अदरक पाउडर डाल दें, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दें, 2 साबुत मिर्ची जिसको ब्रिक ब्रिक काट लिया था वो डाल दें, थोड़ा सा धनिया जिसको चॉप कर लिया था वो डाल दें, 1 नींबू का रस डाल दें, 2 चम्मच चिली गार्लिक सॉस डाल दें। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। आलू हमारे अब तैयार हो चुके हैं, सारे मसाले हमने अब इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। आधा चम्मच नमक, 1 गिलास पानी का, चंद पत्ते सब्ज धनिए के, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच सुरख मिर्च, 1 कप बेसन। एक बाउल में 1 कप बेसन डाल दें जिसको हमने अच्छी तरह छान लिया था। आधा चम्मच सुरख मिर्च डाल दें, आधा चम्मच नमक डाल दें, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दें, चंद पत्ते धनिए के डाल दें। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। और अब हम अपनी ब्रेड के स्लाइस लेके इसके किनारे कट कर लेंगे। और इसी तरह हम अपने बाइक के स्लाइस की भी कटिंग कर लेंगे, और ये जो हम पीसीस उतार रहे हैं ये हमारे ज़ाया नहीं होंगे, हम इसके ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। और हमने जो स्टफिंग बनाई थी वो ब्रेड के ऊपर पुट कर देंगे। अगर आप इसको मज़ीद ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं, ग्रीन चटनी बनाकर इसके ऊपर लगा दें।
और इसके ऊपर आप दूसरा पीस रखने के बाद अब हम इसको सेंटर से काट लेंगे। और इसी तरह आप हम अपने दूसरे बेड के पीस को फिर स्टफिंग रख रहे हैं। और इसी तरह दूसरा बेड का पीस इसके ऊपर रख के सेंटर से कट कर लेंगे और इसी तरह बाकी सारे पीसों को भी हम रेडी कर लेंगे। अब हम एक पीस लेंगे, इसको बैटर में हम अच्छी तरह डिप करेंगे और डिप करने के बाद थोड़ा झटक दें ताकि वो जो एक्स्ट्रा ऊपर है मटेरियल वो उतर जाए। ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि इससे हमारा पकौड़ा जल जाएगा। अब हम इसको पैन में रख देंगे पकौड़े को अपने को और इसी तरह अब हम अपना दूसरा पीस उठाएँगे, उसको भी माइक्रोवेटर में फिट करेंगे और इसको सेम तरीके से दोबारा इसको पैन में रख देंगे। हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी साइड तब्दील कर देंगे। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आया। और इसी तरह अब हम अपने दूसरे पीस की भी साइड चेंज कर देंगे। तकरीबन 1 मिनट लगा है हमारे दिल साइकिल ये तैयार हो गया। अब हम इसको अपने सरल तेल में डिश आउट कर लेते हैं। और इसी तरह हम अपने बाकी पीसेस को भी ट्राई कर लेंगे। अब हम इसकी साइड तब्दील कर लेते हैं। अब हमारे ये तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको सर्विंग प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारा ब्रेड पकौड़ा तैयार हो चुका है, बहुत ही प्यारा सिकंदर है, बहुत ही मज़ेदार बना है। और आप भी इसको अपने घर में जरूर ट्राई करो। जिसने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करनी हो सब्सक्राइब करते, कमेंट बॉक्स में हमारी रेसिपी कैसी बनी है। शुक्रिया।